उत्तम बागानों से चुना, उम्दा बीजों से बना। बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, आपके स्वाद का ख्याल, सेहत की हिफाजत। मेरे पास तो पहुंच गया, आपके पास पहुंचा कि नहीं? बंसल रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, रखे ऑलवेज एक्टिव। थाना बरसाना पुलिस ने फर्जी बैंक अकाउंट खोलने वाले HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर सहित दो अभियुक्त गणों को किया गिरफ्तार। मथुरा से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश अनुसार जनपद में साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अपराध के दिशा निर्देश क्षेत्राधिकारी गोवर्धन के पर्यवेक्षण में थाना बरसाना पुलिस द्वारा बैंक में फर्जी अकाउंट खोलने व साइबर फ्रॉड करने वाले एवं बैंक खाते व फर्जी आधार कार्ड बेचने वालों को दिनांक 19 जुलाई 2023 को मुखबिर की सूचना के आधार पर HDFC बैंक के असिस्टेंट मैनेजर सहित दो अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 10 फर्जी अदद HDFC बैंक अकाउंट किट, पासबुक, चेकबुक, एक्टिव ATM कार्ड व किट से संबंधित अन्य दस्तावेज, 10 अदद फर्जी आधार कार्ड, 10 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। अभियुक्त गणों के विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त अमित द्वारा सीधे साधे लोगों से बैंक में खाता खुलवाने के बहाने आधार कार्ड व पैन कार्ड ले लिया जाता है तथा EKYC कराने के बहाने अभियुक्त असिस्टेंट बैंक मैनेजर भी कुछ लोगों से आधार कार्ड व पैन कार्ड ले लेता है और HDFC बैंक जसवंत नगर में ही खाता खोल देते हैं और इन बैंक खातों में दोनों अभियुक्त गण अपना मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी लिंक कर देते हैं तथा अकाउंट ओपन हो जाते हैं। अभियुक्तों का मोबाइल नंबर लिंक होने के कारण असली खाता धारक को अकाउंट के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इन अकाउंट को साइबर फ्रॉड करने वाले चटलूबाज जावेद निवासी राजस्थान को दे देते हैं। साइबर फ्रॉड के माध्यम से इन खातों में जो पैसा मंगाया जाता है कम धनराशि होने पर तो साइबर फ्रॉड करने वाले खुद एटीएम के माध्यम से पैसे निकाल लेते हैं, लेकिन बड़ी धनराशि होने पर असिस्टेंट मैनेजर व साथी अभियुक्त द्वारा HDFC बैंक जसवंत नगर इटावा से विड्रॉल कर माध्यम से निकाल लेते हैं। फ्रॉड की रकम को अभियुक्त गण साइबर फ्रॉड करने वाले व असिस्टेंट मैनेजर व साथी अभियुक्त द्वारा 50-50% के हिसाब से बांट लेते हैं। कांच जो देखा जाए अभियुक्त गणों से जो आधार कार्ड बरामद हुए हैं उनमें से अधिकांश पर असिस्टेंट मैनेजर व साथी अभियुक्त के ही फोटो लगे हैं तथा यह आधार कार्ड दोनों अभियुक्त गणों द्वारा फर्जी तैयार किए जाते हैं। इन अकाउंट किट व फर्जी आधार कार्डों को अभियुक्त गण दिनांक 19 जुलाई 2023 को अपने साथी फ्रॉड करने वाले अभियुक्त जावेद निवासी राजस्थान को देने के लिए राजस्थान जा रहे थे। जावेद इन फर्जी आधार कार्डों को फर्जी सिम खरीदने में इस्तेमाल करता है तथा उन सिम कार्डों से जावेद द्वारा साइबर फ्रॉड करके जो पैसा मंगाया जाता था वो पैसा इन्हीं खातों में डलवाया जाता था। पूर्व में भी जावेद ने फ्रॉड कर अभियुक्त गणों के द्वारा पूर्व में दिए गए HDFC बैंक के खातों में फ्रॉड की रकम मंगाई थी। फ्रॉड की रकम निकालने के बाद उन खातों को अभियुक्त असिस्टेंट मैनेजर बंद कर देता है। साइबर फ्रॉड करता दोनों अभियुक्त गणों को जिस आधार कार्डों के 500 रुपये प्रति आधार कार्ड व फर्जी खातों के 10,000 रुपये प्रति खाता देता था। मथुरा से राम प्रकाश गौतम की खास रिपोर्ट। सरकार शासन पुलिस मुख्यालय के लगातार निर्देश हैं कि साइबर ठगी के मामलों में विशेष रुचि लेके प्रॉपर कार्रवाई इन क्रिमिनल्स के अगेंस्ट किया जाए। इसी के तहत लगातार हमारी जनपद पुलिस इसमें लगी रही है। अभी एक मुखबिर की सूचना पे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके नाम अमित और विकास शर्मा हैं। इनमें से एक विकास शर्मा HDFC बैंक जसवंत नगर में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत था, इसको गिरफ्तार किया गया। ये फर्जी बैंक अकाउंट्स खोल के उन अकाउंट्स की डिटेल का स्वयं इस्तेमाल तथा अन्य साइबर फ्रॉड गैंग से जुड़े क्रिमिनल्स को ये प्रोवाइड करते थे, जिन अकाउंट्स में साइबर ठगी का पैसा ये मंगवाते थे और खुद ही चेकबुक और ATM के माध्यम से विड्रॉ कर लेते थे। ये फर्जी बैंक अकाउंट जो असिस्टेंट मैनेजर है उस बैंक का, ये फर्जी KYC अप्रूव करके ये खोला करता था।
लोगों को पता भी नहीं होता था कि उनके अकाउंट खुल गए हैं बैंक में, कहीं से ये पैन की जेरोक्स कॉपी और आधार की जेरोक्स कॉपी लेके उस पर फर्जी सिग्नेचर बनाकर इस तरह के ठगी का काम करते थे। इनके पास से 5 इस तरह के फर्जी बैंक अकाउंट्स, फर्जी आधार कार्ड बरामद हुए हैं। साथ ही साथ इनसे अभी तक की पूछताछ में इन्होंने बताया है कि कुल 18 अकाउंट्स इस तरह के खोल के उनमें साइबर ठगी का पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, विड्रॉल हुआ है। इसकी और डिटेल में जांच चल रही है। एक अन्य अभियुक्त के बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं और इस पूरे नेक्सस को डिटेल में इन्वेस्टिगेशन के दौरान खोला जाएगा और जो भी इस नेक्सस में शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी तथा उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इस गिरोह के पूर्व के भी आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। अभी तक तो अभी नहीं मिला इनका आपराधिक इतिहास, परंतु इनसे जुड़े लोगों तथा इनके बारे में डिटेल में जानकारी की जा रही है। नियमानुसार इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करके इनकी अपराध द्वारा अर्जित संपत्ति को भी कोर्ट किया जाएगा।